जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों राजस्थान संविदा कर्मी परमानेंट खबर 2024। जी हां साथियों, जो संविदा कर्मी लगे हुए हैं उनको परमानेंट करने की खबर है। तो इस खबर को, आज ही की ताजा खबर है, इस खबर को हम देखने वाले हैं क्या है क्या नहीं है ये खबर। तो चलो शुरू करें। अभी आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहां पे आपको दिख रहा होगा ओमवी रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवी रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, ये जो परमानेंट होने की जो खबर है, ये हाई कोर्ट में चला गया है मामला। अब हाई कोर्ट ने इसके आदेश दे दिए हैं। अब उसी को हम संपूर्ण जानकारी के माध्यम से, सरल भाषा के माध्यम से हम समझते हैं। देखो, राजस्थान संविदा कर्मी परमानेंट खबर 2024, यानी कि परमानेंट होने की खबर। संविदा कर्मियों को किया गया परमानेंट। जी हां साथियों, संविदा कर्मी जो है उनको हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि ये परमानेंट होने चाहिए। अब ये कौन से संविदा कर्मी हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा सा गौर कर लीजिए साथियों। देखो भाई, हाई कोर्ट ने कहा याचिका स्वीकार। हाई कोर्ट में याचिका स्वीकार है, आदेश जारी हो चुके हैं। जी हां साथियों, अब देखो, ये हैं 10 साल से संविदा पर नियुक्त कॉलेज शिक्षा के कर्मचारियों को नियुक्ति दे। जी हां साथियों, यानी कि जो कॉलेज शिक्षा है, उस कॉलेज में जो कर्मचारी लगे हुए हैं ना दोस्तों, 10 साल से कॉलेज में, जो 10 साल से कर्मचारी लगे हुए हैं सरकारी कॉलेजों में, जो संविदा के ऊपर लगे हुए हैं, उनको परमानेंट करके और नियुक्ति दे। ये आदेश जारी हुआ है हाईकोर्ट जोधपुर के द्वारा कि भैया इनको परमानेंट कर दिया जाए और इनको नियुक्ति दे दी जाए परमानेंट। इनको 10 साल हो चुके हैं यहां पे काम करते हुए। अब इसमें कॉलेज शिक्षा के सारे ही कर्मचारी हैं दोस्तों, सारे ही कर्मचारी आ गए, हेल्पर से लगा करके सारे पढ़ाने वाले जो भी हैं और भी छोटा मोटा काम करने वाले हैं, उन तमाम को यहाँ पे 10 साल जिनको हो गए हैं उनको परमानेंट करने के आदेश जारी हो चुके हैं हाईकोर्ट के द्वारा। ठीक है साहब। अच्छा जी, अब बाकी के भी कहेंगे साहब हमको कब करेंगे। बहुत सारे भाई बहन हैं जो अटल सेवा केंद्रों में लगे हुए हैं, ग्राम पंचायतों में लगे हुए हैं, नगर पालिकाओं में लगे हुए हैं, 132 केवी जीएसएस पावर हाउस बिजली ग्रेडों में लगे हुए हैं, स्कूलों में लगे हुए हैं, उनका क्या मामला है, उनको कब तक किया जाएगा? तो उनकी जैसे ही कोई खबर आती है हम आपके साथ शेयर कर देंगे दोस्तों। और कॉलेज शिक्षा में जो भी भाई बहन लगे हुए हैं उनकी तो अब मौज हो चुकी है। 10 साल से जो परमानेंट लगे हुए थे उनको परमानेंट करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, नियुक्ति पत्र भी दे दिए जाएंगे। जी हां साथियों, राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश अरुण मोगा की एकल पीठ ने 10 साल से कार्यरत संविदा कर्मियों को हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्वीकार करते हुए पुनः नियुक्ति के आदेश दिए हैं। यानी कि इनका ये सिस्टम चल रहा था कि भाई 10 साल हो गई है, इनको हटाएंगे, अब इनकी जगह नई भर्ती करेंगे और इनको हटाएंगे। तो ऐसा मुद्दा था ये। फिर इनको हटाने के चक्कर में ये याचिका लगाई गई, याचिका हाई कोर्ट में लगाई गई। तो फिर वहां पे एकल पीठ जो है, याचिका लगाई गई तो हाई कोर्ट ने, फिर एकल पीठ ने क्या आदेश दिए हैं कि इनको नहीं हटाया जाएगा, इनको परमानेंट करके इनकी नियुक्ति देनी होगी। जी हां साथियों, आप देखो हाई कोर्ट का आदेश। अधिवक्ता वर्षा बिस्सा ने कोर्ट को बताया कि 10 साल से ज्यादा कार्यरत होने के बावजूद विभाग ने संविदा कार्मिकों के प्रति दुर्व्यवहार की भावना रखी है। हजारों पद खाली होने के बावजूद भी सेवा से अलग कर दिया, यानी कि हजारों पद खाली हैं फिर भी इनको सेवा से अलग कर दिया गया था। फिर इन्होंने याचिका लगा दी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जब मामला गया तो भैया आदेश आ चुका है। हाई कोर्ट का आदेश है कि सरकार जो है इनको 6 सप्ताह में नियुक्ति के आदेश पारित करे। जी हां साथियों, 6 सप्ताह में इनको नियुक्ति दे दी जाएगी साथियों, समझ रहे हो? जी हां बिल्कुल। अब इनको 6 सप्ताह का मतलब तुम ये मान के चलो कि भाई 2 महीने 2.5 महीने, ठीक है ना, 2 महीने भी लग जाएं, 2.5 महीने भी लग जाएं, समझ रहे हो? यानी कि एक
एक सप्ताह 7 दिन का होता है, तो महीने में 4 सप्ताह होते हैं, ठीक है। 2 महीने में 8 होते हैं। अब 2 महीने तो बचे भी नहीं है पूरे, ये तो 6 ही सप्ताह हैं दोस्त, समझ रहे हो ना। तो 2 महीने मान के चलो, तुम आराम से मान लो, कोई बात नहीं। 2 महीने के अंदर अंदर इनको क्या है, नियुक्ति दे दी जाएगी, परमानेंट कर दिया जाएगा, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है। साथियों, ये कॉलेज शिक्षा के हैं, कॉलेज शिक्षा के जितने भी भाई बहन लगे हुए हैं संविदा के ऊपर, 10 साल हो चुके हैं जिनको, उनको परमानेंट कर दिया गया है। और बाकी जो नए हैं, जिनको 5 साल हुई है, 2 साल हुई है, 1 साल हुई है, उनकी कोई अभी खबर नहीं आई है। जैसे ही कोई खबर आती है तो हम आपके साथ तुरंत प्रभाव से साझा कर देंगे। और जो भी बाकी के जो संविदा कर्मी लगे हुए हैं, कोई हेल्पर है, कोई चपड़ासी है, कोई कुछ है, कोई डी ग्रुप सी ग्रुप, जो भी भाई बहन लगे हुए हैं, उनके भी अगर कोई सूचना हमारे पास आती है तो हम आपके साथ साझा कर देंगे। दोस्तों, आप हमसे जुड़े रहिएगा। तो ये थी आज की ताजा खबर। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं और जितनी भी सरकारी योजनाएं आती हैं, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाती हैं। तो जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।